अगर आप भी घर बैठे झारखंड बिजली बिल चेक करना चाहते हैं या फिर बिजली बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर बैठे बिजली बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर पीसी होगा तो अपने पीसी से। दोस्तों जनरली देखा जाता है कि झारखंड बिजली बिल या फिर कहीं का भी आप हों बिजली बिल भरने के लिए आप सभी को लाइन में लगने पड़ते हैं और फिर बिजली ऑफिस जाना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर बैठे ऑनलाइन बिजली बिल पे करें अपने मोबाइल फोन से। तो आज मैं आप सभी को लाइव पेमेंट करके दिखाऊंगा, तो वीडियो में दोस्तों बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों बिजली बिल पेमेंट करने के लिए सिंपली सर आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो और भी अच्छा है, आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके मोबाइल फोन में पेटीएम से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीसी में देख पा रहे होंगे क्रोम ब्राउजर, तो क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद सिंपली सा यहाँ पे टाइप करना है JBVNL, ठीक है। जैसे आप इतना टाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो सर्च करने पर उस तो फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन आया है यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड बिजली वितरण निगम, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके मोबाइल फोन में या फिर पीसी है तो पीसी में इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आप मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्री डॉट वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों डेस्कटॉप साइड वाला ऑप्शन आपके मोबाइल फोन में मिलेगा, तो कर लेना है ताकि आपके भी मोबाइल फोन जो है पीसी की तरह काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो सिंपली सा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा कंज्यूमर सर्विस, तो यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और आपके पास दोस्तों क्या होना चाहिए, कंज्यूमर नंबर। तो कंज्यूमर नंबर मेरे पास है, मैं यहाँ पे अपना एंटर कर लेता हूँ, आप अपना एंटर कर लें। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंज्यूमर नंबर में यहाँ पे एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों प्लीज सेलेक्ट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा तो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ चतरा। चतरा एस में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे रोंग दिखा रहा है, शायद मैं गलत टैप कर दिया, तो फिर से मैं एंटर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देख सकते हैं आई थिंक खुल जाएगा साइट। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साइट खुल चुका है और यहाँ पे मेरा डिटेल शो कर रहा होगा और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एरिया और यहाँ पे नेट डिमांड यहाँ पे दोस्तों 38 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको व्यू वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा आप सभी को कि ऑनलाइन पेमेंट वाला, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शंस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करना है मुझे तो मैं ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों साइड में आप सभी को एक इंटरफेस खुल रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पे ऑनलाइन मतलब पे नाउ। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूँ कि अगर आपके पास पेटीएम या फिर यूपीआई है तो उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और नहीं तो कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो कुछ भी आपके पास है उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे में मैं आप सभी को बता दूँ कि मेरा जो है यहाँ पे कार्ड टाइप है वीजा है, ठीक है। तो मैं वीजा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास रुपए है जो भी कार्ड आपके पास है तो कार्ड आपका जो टाइप है वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो नीचे में देख सकते हैं एंटर योर कार्ड नंबर, तो कार्ड नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे में लिखना है कार्ड होल्डर नेम, तो दोस्तों कार्ड होल्डर नेम आपका डेबिट कार्ड के ऊपर ही मिल जाएगा तो उसे एंटर करना है। तो कार्ड होल्डर नेम एंटर करने के बाद एक्सपायरी डेट लिखना होता है, तो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट मिल जाएगा तो आपको एंटर कर लेना है। तो सबसे पहले मंथ जो है मंथ सेलेक्ट कर लेना है, तो मंथ यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे वाई वाई यहाँ पे नजर आ रहा होगा मतलब ईयर आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी ईयर है मेरा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा आप सभी को सीवीवी नंबर, तो सीवीवी नंबर आपके कार्ड के दूसरा साइड में मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीवीवी नंबर एंटर कर लेता हूँ, 3 डिजिट का सीवीवी नंबर होता है तो एंटर कर लेना है। तो सीवीवी नंबर मैं फाइनली एंटर कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
फरिंग डेटा प्लीज वेट, तो वेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे झारखंड बिजली वितरण यहाँ पे निगम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सब चीज डिटेल खुल जाएगा और दोस्तों आपके मोबाइल फोन में एक OTP जाएगा। आप OTP जब फिलअप करोगे उसके बाद ही पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेंट OTP के ऊपर अभी क्लिक नहीं करना है, रिमाइंडिंग यहाँ 2 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेना है और OTP जाएगा, OTP यहाँ पे एंटर करना है। तो दोस्तों फाइनली OTP मेरा आ चुका है, तो OTP यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। तो OTP में यहाँ पे एंटर कर लिया, उसके बाद दोस्तों नीचे में क्या करना है, यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप चाहे तो यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल एंड गो बैक टू मर्चेंट। तो यहाँ पे मैं पेमेंट करता हूँ, ठीक है, मेक पेमेंट। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद योर पेमेंट इज प्रोसीड लिखा हुआ है, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों पेमेंट फेल्योर। तो दोस्तों यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। पता सर्वर में कुछ इशू होगा शायद, उसी के कारण कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे गो बैक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंफर्म करते हैं तो आपका पेमेंट जो है वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी पेमेंट करना है। तो दोस्तों क्या करना है, सिंपली सा आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे व्यू लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं ऑनलाइन पे वाला जो ऑप्शन था यहाँ पे गायब हो चुका है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लिखेगा बिल ऑलरेडी पेड, तो मेरा जो बिल है वो पेमेंट हो चुका है, वहां पे ऐसे ही दिखा रहा था। उसके बाद यहाँ से आप बिल प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आप इसे PDF में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव एज PDF, तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, आपका जहाँ भी सेव करने का मन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव कर लेता हूँ। तो इस तरीके से बाद में आप उसे ओपन करके देख भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।